بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى وغصين الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل صد احترام بزرق وبهي أردوستو. إن شاء الله ما بابك حقوق سے متعلق بات كي क़ुर करीम में अल्लाह त माँ बाप के हकूक़ किस दर्ज बयान फरमाए हैं और अल्लाह के नबी आ सलात व तस्लीम ने अदीसे मुबारक में माँ बाप के क्या का हूक़ बयान फरमाए हैं और जो लोग अपने माँ बाप के हकूक़ अदा नहीं करते उनकी नाफ़रमानी करते हैं उन पर लान तान करते हैं उन लोगों के लिए अल्लाह के नबी आ सलात वाम ने क्या का वीद बयान फरमाई हैं अल्लाह रबुल्ज़त कुरान करीम और अल्लाह के नबी आल वसलाम की मुबारक अहदीत की रोशनी में मुझे सही और सच्ची बातें कहने और हम सब को अखलास के साथ उन परमल करने की तोफ़ी नसीब फरमाए मैंने कुरान करीम की तीन आयतें आपके सामने पढ़ी है पहली आयत सूर बकर की आयत नंबर एट्टी थ्री है दूसरी आयत सूर बनी इसराइल की आयत नंबर ट्वेंटी थ्री है और तीसरी आयत सूर्कमान की आयत नंबर चौदह है हम मुख्तर तरीक़े से इन तीनों आयतों की तफसीर को मुलाहजा फरमाएँ ताला इरशाद फरमाते हैं व इज़ अखज़ नामीसा का बनी इसरा तहबुदोन अल्लाह के याद करो उस वक्त को जब हमने बनु इसराइल से यह अहद लिया कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे व बिलवादीन अहसाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करोगे अल्लाह ताला ने फ़रमाया कज़ा रब्बुका अल्ला इल्ला कि आपके परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो व बिलवादीन अहसाना और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो इमांबल़न्नांद बरादु हमां अवला हमां अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए अल्लाह फरमाते हैं फ़ला तकुल्ल उफ़ तुम उनको उफ तक मत कहना वला तनहर उनको झिड़कना मत उनको डांटना मत उनके सामने ऊंची आवाज़ में गुतगु मत करना वक़ुल्लामा कऊला करीमा फ़रमाया उनके सामने नरम गुफ्तु करना جناح हमा من हबाल तुम अपने माँ बाप के सामने आजिज़ी का बाजू झुका देना यानी जितना तुमसे छोटा बन कर के रहा जाए अपने माँ बाप के सामने उतना छोटा बन कर के रहना आजिज़ी के साथ तोज़ों के साथ सारी के साथ अपने माँ बाप के सामने रहना और अपने माँ बाप के हक में अल्लाह ते दुआ करना कि ए मेरे परवरदिगार इरहम हुमा कमा कमारबानी सगीरा मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा जिस तरीक़े से उन्होंने मुझे छोटे से पाला है हम मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि सूर बनी इसराइल की ये छोटी सी आयत हम सब की याद हो और हम जब कभी अपने लिए या अपने किसी तकाज़े के लिए दुआएं करें हम अपनी दुआओं में इस जुमले को शामिल करें रब्बिर हम हुमा कमा रब्ब यानी सगीरा। कि ए मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा जैसा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से पाला है यह दुआ वो है जो ख़ुद अल्लाह ताला अपने बंदों से कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप के लिए किया करो तीसरी आयत लुकमान की आयत नंबर चौदह अल्लाह ताला फरमाते हैं वसुअनसानबी वालई कि हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में ताक़द कर दी हमलत हु उम हूँ वाहन नाला वहन इंसान की माँ ने उसको अपने पेट में रखा बड़ी परेशानियों को उठाया बड़ी थकन को महसूस किया व फिस आमीन दो साल में उसका दूध छुड़ाया अनिश वाली वाली वालदे का अल्ला फरमाते हैं कि तुम मेरा भी शुक्रिया अदा करना और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करना इलायलमसर और याद रखना तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है इसके अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं व इन जाहदा का अला तुशरी का बीमा सला का बी इल हुमा कि इंसान अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ कोशिश करे कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करो ऐसा काम करो जो शरीयत में जायज़ नहीं है जो कुरान से टकराता है अहादीत से टकराता है अल्लाह फरमाते हैं फ़ला हमा अब तुम खिलाफ शरीयत काम में अपने माँ बाप की इत मत करना उनका कहना मानना अब तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी नहीं है लेकिन फरमाया वाहिब हम फिर दुनिया मारूफा दुनिया के अंदर अपने इन माँ बाप के साथ में हुसन सलूक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ये तीन आयतें वो हैं जिनमें अल्लाह ताला ने अपने हक़ के बयान करने के फ़ौ बाद माँ बाप के हक को बयान फरमाया मुफसरन लिखते हैं कि माँ बाप का हक इतना ऊँचा और इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने फौरन अपने हक़ को बयान करने के बाद में बगैर किसी स्पेस के बग़ैर किसी फसल के फौरन अल्लाह ने माँ बाप के हक़ को बयान फरमाया ला तबू अल्ला वालदीनी अहसाना अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना हुसन सुलूक करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादी मुबारक में मुख्तल तरीक़ों से माँ बाप की खिदमत को बयान फरमाया माँ बाप के हुकूक को बयान फरमाया और ये बात भी बयान फरमाई कि अगर तुम अपने माँ बाप की नाफ़रमानी करोगे उनको तकलीफ़ दोगे उनको परेशान करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में क्या सजाएं देगा चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी मशहूर हदीस है जो मुबारक के मुकद्दस महीने में मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी कि एक मरतबा अल्लाह के नबी आ सलासलम अपने मुबारक मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो आपने जब पहला कदम रखा आपने फरमाया आमीन जब आपने दूसरा कदम रखा आपने फ़रमाया आमीन जब तीसरा क़दम रखा आपने फ़रमाया आमीन किसी साहबी ने मालूम किया ए e अल्लाह के रसूल हमने आपको मिंबर पर चढ़ते वक्त कभी आमीन कहते हुए नहीं सुना आप अलीसलात सलाम जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि दरअसल जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे आप जानते हैं कि जिब्रील अमीन वो फरिश्ते हैं जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं जो अल्लाह के रसूलों पर अल्लाह के नबियों और पैगंबरों पर अल्लाह की वही को अल्लाह के पैगाम को लाने वाले फ़रिश्ते हैं जिनका ख़ुद कुरान करीम में भी ज़िक्र है अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे पास जबरील आए थे और उन्होंने आकर के सबसे पहले मुझसे कहा कि रगीम अनफुमरीन फुमरीन जिकिरता हु युसल्ली अलैका कि ए मोहम्मद वो शख्स बर्बाद हो वो शख्स वो शख्स बर्बाद हो वो शख्स हलाक हो जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आपके ऊपर दरूद का नजराना ना पेश करे तो मैंने जबरील की इस बद्दुआ पर आमीन कहा इससे मालूम होता है कि जब भी हम अल्लाह के नबी सलात वाम का मुबारक नाम सुने तो हम बदले में फ़ौरन अल्लाह के नबी आ सलात वाम पर दरूद का नजराना पेश करें आप फरमाते हैं कि जबरील ने फ़ौर कहा कि रगीम अन फमरीन अदरों का रमावान फलम युफ़रलू कि वो शख्स बर्बाद हो वो शख्स हलाक हो जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का मुक़दस महीना पाया और इस मुक़दस महीने में वो इबादत करके अपनी मगफरत ना करा सका मैंने जबरील की इस बदुआ पर आमीन कहा अल्लाह के नबी आसमाम फरमाते हैं كَجِبْرِيلُنَّ مرتبہ مَرْتَبَكَهَا رَغِمَ أَنْ فُمْرِئٍ أَدَرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ آمِينٌ तो जबरील ने कहा ए मोहम्मद वो शख्स हलाक हो वो शख्स बर्बाद हो जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को या अपने माँ बाप में से किसी एक को पाया फिर उनकी खिदमत करके वो अपने आप को जन्नत का मुस्क़ और हकदार नहीं बना सका मैंने जबरील की इस बदुआ पर आमीन कहा आप तसुर कीजिए गौर कीजिए कि तमाम फरिश्तों के जो सरदार हैं जबरील अमीन उनकी बदुुआ जो तमाम रसूलों के पास तमाम नबियों और पैगंबरों के पास अल्लाह की वही और अल्लाह का पैग़ाम लाने वाले फ़रिश्ते हैं उनकी बदुवा और तमाम रसूलों के और नबियों के सरदार हम सब के आका मोहम्मद अलैहि वसल्लम की उस पर आमीन जो शख़्स अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाए और वो शख्स उनकी ख़िदमत न करके वो शख्स उनको बुरा भला कहकर उनको गालियां देकर उनको तकलीफ देकर उनको परेशान करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना सके वो शख्स हलाक और बर्बाद हो अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए बिल्कुल इसी दर्जे की एक रिवायत मुस्लिम शरीफ में दो हज़ार पाँच सौ इक्यावन नंबर पर मौजूद है अल्लाह के नबी आसलातम ने एक मरतबा तीन मरतबा यह जुमला इर्शाद फरमाया ऱीम अनफ़ तुम्मा ऱीमा अनफ़ु तुम्मा ऱीमा अनफ़ कि वो शख्स हलाक और बर्बाद हो उस शख्स की नाक गर्द आलूद हो वह शख्स हलाक और बर्बाद हो उस शख्स की ना गर्द आलूद हो अल्लाह के नबी आ सलात वाम ने जब तीन मरतबा ये बदुुआ दी तो एक सहाबी कहते हैं मन या रसूल अल्लाह तो ए अल्लाह के रसूल आ सलात वाम आपकी शख्स के बारे में ये बदुुआ दे रहे हैं आपने इर्शाद फरमाया मन अदौरा का अबाव ही इंदल किबर कि जो शख्स अपने माँ बाप में से दोनों को या एक को बुढ़ापे की उम्र में पाए फलम युद्ली जन्ना फिर वो शख्स अपने आप को जन्नत का मुस्क न बना सके वो शख्स हलाक और बर्बाद हो अल्लाह के नबी आ सलात वाम ने बदुआ दी है हलाकत और बर्बादी की बद्दुआ फरमाई है उस शख्स के हक में जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सताता है तकलीफ़ देता है परेशान करता है उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तक नहीं बनाता अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए तिरमिदी शरीफ में एक रिवायत है अट्ठारह सौ इक्कीस नंबर की अल्लाह के नबी आसलातम ने बड़े साफ़ लफ्ज़ों में ऐलान फरमाया رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد कि बाप की रज़ा में अल्लाह की ऱामंदी है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है मतलब रिवायत का यह है कि इंसान अगर तू ये देखना चाहता है कि मेरा रब मेरा आका मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है या नाराज़ तो तू अपने बाप को देख ले अगर तेरा बाप तुझसे राज़ी है तो तेरा रब और तेरा अल्लाह तेरा खालिक और मालिक तुझसे राज़ी है और अगर तेरा बाप तेरे वालिद तुझसे नाराज़ है तो तू कितनी ही इबादत कर लेना कितनी ही नमाज़ें पढ़ लेना कितने ही रोजे रख लेना कितने ही सदक़ात दे देना लेकिन तेरा रब और तेरा आका तुझसे राजी नहीं हो सकता बाप की रजा में अल्लाह की रजामंदी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह ताला की नाराजगी है इसलिए अगर किसी बात पर हमारे वालिद मोहतरम या हमारी वालिदा मोहतरमा हमसे नाराज हो जाए तो कोशिश करें कि अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मां को और अपने वालिद मोहतरम को हम राजी कर लें इसलिए कि अल्लाह के नबी आ व सलाम ने बड़े साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया कि अगर आपके वालिद आपसे रादी हैं तो अल्लाह भी राज़ी हैं और अगर आपके वालिद आपसे नाराज हैं तो आपकी इबादतों के ज़रिए आपका आका आपका रब आपका अल्लाह आपसे रादी नहीं हो सकता अल्लाह के नबी एक रिवायत में माँ बाप की इतात और उनकी खिदमत को माँ बाप के साथ हसन सलूक और अच्छे बर्ताव को जिहाद से भी अफजल तरीन इबादत बतलाया चुनाचे बुखारी शरीफ़ में एक रिवायत है जिसको इमाम बुखारी रहामतल आल ने तीन हज़ार चार नंबर पर नकल फरमाया अब्दुल्ला इबन अमर इब्नआस रजी अल्लाह तन कहते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी आल सलात की खिदमत में आया और कहने लगा उबाई हिजरती जिहाद अब तगिल अजर मिन अल्लाह ममील ए अल्लाह के नबी अलैहि सलात वसलाम मैं अल्लाह ताला की जात से, सवाब की उम्मीद की नियत से आपसे बेयत करना चाहता हूँ हिजरत और जिहाद पर मैं आपसे बेयत करना चाहता हूँ कि आपके साथ हिजरत भी करूँगा आपके साथ जिहाद में भी शिरकत करूँगा और मेरा मकसद यह है कि मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद हासिल करूँ अल्लाह के नबी आल सलात सलाम ने जब उनकी इस रगबत को सुना तो आपने फ़रमाया फ़ाहमिन अहदुन कहदय के क्या आपके माँ बाप में से कोई ज़िंदा है उन्होंने कहा कि नाम लाहुमा ये अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप दोनों जिंदा हैं अभी आप अलीः सलात सलाम ने फरमाया वालई फ़ अहसिन हम कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओ और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो अपने माँ बाप की खिदमत करो उनकी इताअत करो उनकी फरमाबरदारी करो मालूम हुआ कि माँ बाप की इताअत करना उनकी खिदमत करना उनकी सेवा करना ये अल्लाह की नज़रों में अफजल तरीन इबादत है जिहाद से भी अफजल इबादत है आपको मालूम होगा कि कुछ गुनाह तो सगीरा हैं जिनको हम छोटा गुना कहते हैं अगरचे गुनाह कोई छोटा नहीं होता लेकिन ये सगीरा गुनाह वो हैं जो इबादत के ज़रिए माफ़ हो जाते हैं और कुछ गुना वो हैं जो कबीरा गुना कहलाते हैं जो बगैर तोबा के माफ़ नहीं होते और कुछ गुना वो हैं जिनको अकबरुल अकबरकबा कहा गया यानी बड़े गुनाहों में भी बड़े गुनाह जो सबसे बड़े गुनाह हैं जो सबसे आला दर्जे की नाफरमानी है अल्लाह के नबी आल सलात सलाम फ़रमाते हैं इन निन अकबर कबाइल रजुलवालिदही के कबीरा गुनाहों में भी जो बड़े गुनाह हैं उनमें एक बड़ा गुनाह ये भी है कि इंसान अपने माँ बाप को लान तान करे इंसान अपने माँ बाप को गाली दे एक शख्स कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कई फैलान रजुलवालिदही इंसान अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है इंसान अपने माँ बाप पर लान तान कैसे कर सकता है या अल्लाह आपने इरशाद फ़रमायासुब्ब्ब्ब्ब्बु रजुल अबर रजुल व यसुब्बु उम्मा कि इंसान किसी दूसरे इंसान के बाप को गाली देगा वो पलट कर जवाब में इसके बाप को और इसकी माँ को गाली देगा इसका मतलब ये हुआ कि इसने खुद अपने माँ अपने इसका मतलब यह हुआ कि इसने ख़ुद अपने माँ बाप को गाली दी इस रिवायत से मालूम होता है कि हम किसी को गाली ना दें और ख़ास कर किसी की माँ को और किसी के बाप को लान तान ना करें किसी की माँ को और किसी के बाप को हम माँ की गाली ना दें बाप की गाली ना दें। यूँ तो शरीयत में किसी भी तरीक़े की गाली देने की गुंजाइश नहीं है गुनाह है गाली देना लेकिन माँ बाप की गाली देना ये बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुना है अल्लाह ताला हमारी गाली देने से हिफाजत फरमाए सहबा कि राम रजी अल्लाह तुम अजमैन की जमात वो जमात है जो हमारे लिए नमूना है जिन्होंने अल्लाह के नबी आ वसलाम की अमली जिंदगी को उम्मत के सामने पेश किया हम जब सहाबा की जिंदगी में गौर करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि सहाबा ने ख़ुद अपने माँ बाप की खिदमत की है अपने माँ बाप की इताअत की है अपने माँ बाप के हुकूक अदा किए हैं वक्त कम है मैं दो चार वाक़े आपके सामने अर्ज करूँ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह त से कौन ना वाक़ है अफ़लबर البشر अम्बिया इब तहकीक रसूलों के बाद नबियों के बाद पैगंबरों के बाद अगर अल्लाह की नज़रों में कोई अफजल तरीन इंसान है तो वो सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह तन इनके वालिद मोहतरम हैं अबू कहाफ़ा ऱी अल्लाह आखिरी वक्त में इनकी आँखों की बीनाई चली गई आँखों से दिखाई देना बंद हो गया बहुत कमज़ोर हो गए इतने कमज़ोर हुए कि अपने पैरों से इनके लिए चलना भी मुमकिन नहीं रहा इन्होंने कहा कि ए अबू बकर मैं चाहता हूँ कि ईमान में दाखिल हो जाऊँ मैं चाहता हूँ कि ईमान के कलीमे को पढ़ लूँ सिद्दीक़ अकबर रज़ील्ला तुने अपने वालद मोहतरम को जो अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुए थे जो मुशरिक और काफिर थे उनको अपनी कमर के ऊपर सवार किया और अपनी कमर के ऊपर सवार करके अल्लाह के नबी आ सलात सलाम की खिदमत में लेकर के हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम कलीमा पढ़ना चाहते हैं ईमान में दाखिल होना चाहते हैं अल्लाह के नबी आ सलात सलाम ने जब देखा कि सिद्दीक़ अकबर अपने बूढ़े बाप को कमर के सहारे मेरे पास लेकर के आए हैं आपने कहा अबू बकर तुम मुझसे बतला देते वालिद साहब को क्यों तकलीफ दी मैं खुद तुम्हारे घर चल करके जाता और मैं वहीं तुम्हारे वालद मोहतरम को कलीमा पढ़ा देता यह है बाप की खिदमत कि अगर उनके लिए चलना मुश्किल था तो सिद्दीक अकबर ने अपनी कमर के ऊपर उनको सवार किया और कमर के सहारे के जरिए आप उनको लेकर के अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ील्ला तब खलीफ़तलमसलमान बनाए गए इमाम बुखारी आदाबुल मुफ़रद में ये वाक़िया नक़ल फरमाया है कि जब सिद्दीक़ अकबर ऱी अल्लाह तलीफ़तलमसलिम मुक़र्रर हुए तो एक मरतबा ये सवारी पर सवार होकर के आ रहे थे इनके वालद महत्म हज़रत अबू कहाफ़ा ऱी अल्लाह तन से किसी ने कहा कि सदी अकबर तशरीफ़ ला रहे हैं वाल मोहतरम ने जब सिद्दीक अकबर की आमद की खबर सुनी आप अहतराम में खड़े हो गए जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तैन वहाँ तशरीफ ले गए और आपने देखा कि मेरे वालद मोहतरम मेरे अहतराम में खड़े हैं आप फौर सवारी से नीचे कूद गए आपने मुनासिब नहीं समझा कि मैं सवारी पर बैठा रहूं और मेरे वालद मोहतरम जमीन पर खड़े रहे ये है बाप की तज़ीम यह है बाप का अदब और उनका एहतराम इमाम बुखारी रहमत ने मुफरद में ही यह वाक़ नकल फरमाया कि एक मरतबा हजरत ने दो इंसानों को देखा उनमें एक नौजवान था और एक बूढ़ा वो दोनों चले जा रहे थे आपने नौजवान से मुखातिब होकर के फरमाया कि ये शख्स कौन है उसने कहा कि मेरे वालद महतरम हैं हजरत अबू हुर रजी अल्लाह तु ने उस नौजवान को माँ बाप के ताल्लुक से तीन नसीहतें फरमायीं जिन पर हम सब को अमल करना चाहिए आपने फरमाया कि नौजवान कभी जिंदगी में अपने बाप का नाम मत लेना कभी जिंदगी में अपने बाप को नाम से मत पुकारना आज हम में से बहुत सारे लोग मजाक में अपनी वालदा को नाम लेकर के पुकारने लगते हैं या कभी नाराज़गी में हम अपनी वालिदा को नाम के ज़रिए से लान तान करने लगते हैं जायज़ नहीं है बुजुर्गों हजरत अबू हरे रज़ी अल्लाह तु ने फरमाया था ये नौजवान कभी ज़िंदगी में अपने बाप को नाम लेकर के मत पुकारना अपने बाप को नाम से आवाज़ मत लगाना शरीयत में जायज़ नहीं है कि हम अपने बाप को उसका नाम ले करके पुकारें या हम अपनी वालदा को उसके नाम के जरिए से आवाज़ दें ये अदब के खिलाफ है तज़ीम और अहतराम के खिलाफ है हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह तु ने फरमाया ए नौजवान कभी जिंदगी में अपने बाप के आगे मत चलना ये बाप की तज़ीम और उनके अहतराम के खिलाफ है कि हम चलते वक्त में अपने बाप से आगे चले तीसरे नंबर पर आपने फरमाया कि ए नौजवान कभी जिंदगी में अपने बाप से पहले बैठने की कोशिश मत करना हम अगर किसी जगह जाएँ हमारे साथ में आप हमारे हमारे साथ में हमारे वालिद मोहतरम हों तो हम कोशिश करें कि पहले वालिद मोहतरम के लिए बैठने का इंतज़ाम करें फिर ख़ुद हम अपने बैठने के लिए अपना इंतज़ाम करें वालिद मोहतरम से पहले किसी जगह बैठ जाना ये उनकी तज़ीम और उनके अदब व अहतराम के ख़िलाफ़ है ये तीन नसीहतें हज़रत अबूरे तुने उस नौजवान से फ़रमाई माँ बाप अगर हमारे ज़िंदा हैं तो हम अपने माँ बाप की खिदमत करें उनकी इतात करें उनको तकलीफ़ न दें उनको परेशान ना करें यह उनके हकूक़ हैं जो क़ुरान ने और अल्लाह के नबी व सलाम ने बयान फरमाए हैं लेकिन अगर हमारे माँ बाप में से दोनों के दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी वफात हो चुकी है या कोई एक दुनिया से गया है उनके हकूक़ हमारे ऊपर फिर भी आयद होते हैं दुनिया से माँ बाप के चले जाने के बाद भी कुछ हकूक वो हैं जो उनके हमारे ऊपर आयद होते हैं उनमें से पहला हक ये है कि हम अपने वालदेन के लिए ईसाले सवाब करें कुरान करीम पढ़ के हम अपने वालदे को सवाब पहुंचाए सदका करके हम अपने वालदेन को सवाब पहुंचाए अगर हम कुरान करीम को नहीं पढ़ सकते कुरान करीम को हम पढ़ना नहीं जानते तो हम क़ुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करें और जब तक कुरान करीम को पढ़ना सीखे उस वक्त तक हम ईसाल सवाब का वो तरीक़ा इख्तियार कर लें जो बड़ा आसान है इससे पहले भी कई मरतबा मैंने आपको बतलाया अल्लाह के नबी आल सलातम ने सूर अखलास के बारे में कुल्हू अल्लाह अहद की फज़ीलत के बारे में ये इर्शाद फरमाया ही रसुल रसुल क़ुरान कि ये छोटी सी सूरत क़ुरान करीम के एक सुल्फ एक तिहाई के बराबर है यानी अगर कोई मुसलमान इस सूरत को तीन मरतबा पढ़ ले अल्लाह उसको मुकम्मल तीस पारों का मुकम्मल कुरान करीम का सवाब इनायत फरमाएंगे हम रोज आना कोशिश करें कि तीन मरतबा इस सूरत को पढ़ें आगे पीछे दुरुज शरीफ मिलाएं दुरुज शरीफ मिलाने को मैं इसलिए कहता हूं कि अल्लाह के, अल्ला के नबी सलाम का फरमान है कि जो दुआ दो दरुदों के दरमियान में मांगी जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते आप शुरू में दुरुज शरीफ पढ़ें तीन मरतबाल्ला हक पढ़े फिर अखीर में दरू शरीफ पढ़े और हाथ उठा करके या बग़ैर हाथ उठाएँ, ये कह दें कि या अल्ला इसका मेरी वालिदा को पहुँचा, या अह इसका मेरे वालद मोहतरम को पहुंचा इन शुरान करीम का सवाब उस मरहूम को पहुँचेगा जिसको हम सवाब पहुँचाना चाहते हैं अल्लाह ती बरक से उनको जन्नत के दर्जों की बुलंदी आता फरमाएंगे ये जो तरीक़ा हमने इख्तियार किया हुआ है कि जब माँ की या बाप की या दोनों की याद आती है तो चंद बच्चों को बुला करके हम क़ुरान खानी करवा लेते हैं किसी से दुआ करवा लेते हैं ये तरीक़ा ठीक है लेकिन इसी को हम इख्तियार करते रहें ये मुनासिब नहीं है दुनिया से माँ बाप के चले जाने के बाद उनका एक हक ये भी है कि हमारे माँ बाप जिन लोगों से ताल्लुक़ रखते थे हम उनसे ताल्लुक रखें हमारे माँ बाप जिन लोगों से दोस्ती रखते थे हम उनका अदब और उनका अहतराम करें जिस तरीक़े से हम अपने माँ बाप का अदब और अहतराम करते थे इसी तरीक़े का हम उनके दोस्तों का अदब और अहतराम करें ये भी माँ बाप के चले जाने के बाद उनका एक हक़ है बड़ा मशहूर वाकिया मुहदसिन ने लिखा है कि अब्दुल्ला इबन उमर रदी अल्लाह त बड़े मशहूर सहाबी हैं एक मरतबा सफ़र में जा रहे थे अचानक से आपने अपनी सवारी को रोका और आप अपनी सवारी से नीचे उतरे आपने आपके सामने जो दिहाती था अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाह तन बड़े मशहूर सहाबी हैं किसी सफ़र में आप तशरीफ़ ले जा रहे थे आपने अचानक एक दिहाती को देखा आपने किसी बद्दू को देखा और उस बद्दू और देहाती को देखकर आपने अपनी सवारी को रोका और आप फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरे और आपने उस सवारी से नीचे उतर करके अपने सर से पगड़ी को उतारा और पगड़ी उतार कर आपने उस बद्दू और उस दिहाती के सर पर रख दी किसी ने सवाल किया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर आप बड़े मशहूर सहाबी हैं आपके साथ ही आपका बड़ा अहतराम करते हैं आप बड़े इबादत गुजार हैं अल्लाह के नबी की सहबत का शर्फ आपको हासिल है लोग आपकी इज्जत और तकरीम करते हैं आपने ये क्या किया कि एक बद्दू और देहाती के सर पर आपने अपनी पगड़ी को उतार करके रख दिया अब्दुल्लाबन अमर रदी अल्लाह फरमाते हैं कि हाँ अगर मैंने अल्लाह के नबी आ व सलाम से यह हदीस न सुनी होती तो मैं ये अमल ना करता आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी आ व सलाम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपने वालद मोहतरम की दुनिया में ताज़ीम करता था उसे चाहिए कि वो अपने वालद मोहतरम के मरने के बाद उनके दोस्त की तज़ीम और उनका अहतराम करे। तो मैं अपने वालद मोहतरम के अहतराम और उनकी तज़ीम में इस बद्दू और देहाती की तज़ीम कर रहा हूँ इसलिए मैंने अपने सर की पगड़ी उतार करके इनके सर पर रख दी ये हक है माँ बाप का कि हम उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके दोस्तों की तज़ीम करें उनके दोस्तों का अदब और उनका अहतराम करें ये कुछ बुनियादी हकूक़ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान करीम में माँ बाप के ताल्लुक से बयान फ़रमाए हैं और अल्लाह के नबी आ सलात सामने ने माँ बाप के हकूक़ और अगर हम हकूक़ अदा नहीं करते उनकी वहीद बयान फ़रमाई हैं अल्लाह रब्लत हम सब को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह ताला हम सब को अपने माँ बाप के हकूक अदा करने की मुकम्मल तरीक़े से तौफीक नसीब फरमाए व आखिर रब्बिल आलमीन